दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निकल एक्सपर्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मी 10 यूथ एडिशन ये चाइना में लॉन्च हो गया है एंड बहुत दूर के लीक्स है, अभी कंफर्म तो नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि ये मी A4 बन के इंडिया में आएगा। प्राइसेस के हिसाब से थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं क्योंकि मी A4 जो है वो 15-16 हज़ार या फिर अंदर, जैसे मी A3 आया था उस प्राइस पे आएगा। इसका प्राइस 20 हज़ार से थोड़ा ऊपर है लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये स्मार्टफोन इंडिया आएगा, जिस भी नाम से आए बस इसी प्राइस पे आ जाए ना तो धमाल मचा देगा। 5 रीजन क्यों ये स्मार्टफोन इंडिया में सक्सेसफुल होगा दोस्तों, वही बताने वाला हूँ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों पसंद आया। चलते थे वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले रीजन की बात करते हैं तो इसकी प्राइसिंग, जो स्पेसिफिकेशन धमाकेदार दिए ना दोस्तों, वो भी प्राइस बहुत कमाल का रखा है इसका। सारे स्पेसिफिकेशन तो बाद में बताएंगे आगे के 4 पॉइंट्स में, लेकिन प्राइसिंग जो इसकी है दोस्तों, इसका बेस वेरिएंट जो आता है ना 6GB 64GB, वो सिर्फ 2100 yuan यानी करीब करीब 22,000 रुपए के आसपास आता है। 5G फोन है, 22,000 के आसपास सबसे चीपेस्ट अभी तक का है, किसी भी स्मार्टफोन से कंपेयर करो तो सबसे चीपेस्ट है दोस्तों ये। एंड दूसरा वेरिएंट 6GB 128GB वाला जो है उसकी प्राइसिंग 2300 yuan रखी गई है, जो कि 24,500 के आसपास आती है। तीसरा वेरिएंट 8GB 128GB का है, जो 2500 yuan है यानी 27,000 के आसपास। एंड लास्ट वाला 8GB 256GB 30,000 के आसपास जाता है। 5G फोन सारे वेरिएंट्स इस प्राइस में मेरे हिसाब से कीमत बहुत अच्छी रखी गई है। अगर इसी प्राइस पे अगर इंडिया में आ गया तो मेरे हिसाब से धमाल मचा देगा दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसका डिजाइन और डिस्प्ले। आपको 6.57 इंच का एमोलेड का पैनल मिलता है, अच्छी चीज है। 1080x2340 का रेजोल्यूशन है एंड सबसे अच्छी बात है कि इसमें HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, जो कि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है। वाटरड्रॉप नॉच के साथ आता है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों साइड पे दिया हुआ है, जो कि अच्छी चीज है, फोन देखने में भी अच्छा लगता है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, सारी चीजें मिल जाती हैं आपको एक अच्छे दिखने वाले स्मार्टफोन में जो चाहिए। तो आपको एक गुड लुकिंग स्मार्टफोन एक एमोलेड पैनल के साथ, वो भी HDR 10 प्लस के सपोर्ट के साथ चाहिए, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ, सारी चीजें अगर आपको चाहिए अच्छी दिखने वाली तो ये स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो। प्राइस के हिसाब से डिजाइन और डिस्प्ले बहुत अच्छी तरह जस्टिफाई करता है दोस्तों ये। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट मेरे हिसाब से तीसरा वाला। इसमें प्रोसेसर 765G का है और ये सबसे चीपेस्ट स्मार्टफोन है इस चिपसेट के साथ अभी तक। 765G की बात करोगे तो 5G चिपसेट है, सबसे अच्छी चीज यही है। एंड स्कोर की बात करोगे तो 3.5 लाख तक जाता है। गेमिंग ग्राफिक्स सब मक्खन की तरह चल जाएगा, HDR पे पबजी खेल सकते हो, जो गेम चाहो वो खेल सकते हो। ऑक्टा कोर है बट 7nm पे बेस्ड है, 7nm यानी बहुत कम डिस्टेंस है, यानी बैटरी एफिशिएंसी कमाल की मिलेगी आपको, बहुत अच्छी दोस्तों इस टाइम सबसे बेस्ट वालों में अगर देख लो तो। चलो अच्छी चीज है। 8 कोर्स में से एक कोर जो है 2.4 GHz पे और एक कोर 2.2 GHz पे क्लॉक्ड है। ये सारे परफॉर्मेंस वाले कोर्स है यानी पावर देते हैं। इसके बाद जो 6 कोर्स है 1.8 GHz पे क्लॉक्ड है, वो बैटरी एफिशिएंसी के काम आते हैं। एंड 475 वाले नए कोर्स हैं क्रायो के, यानी स्मूथ बहुत अच्छा चलेगा, चलिए प्रॉब्लम नहीं है। एड्रीनो 620 है, गेमिंग ग्राफिक्स मक्खन की तरह चलाएगा, कोई भी गेम किसी भी लेवल पे खेल सकते हो, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। एंड्रॉइड 10 के ऊपर आएगा, जो कि MIUI 11 के ऊपर आएगा। MIUI 12 उन्होंने लॉन्च किया लेकिन इस फोन में दिया नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बाद में आपको अपडेट के साथ आएगा लेकिन अभी दिया नहीं है। तो परफॉर्मेंस भी मक्खन की तरह चलेगा एंड सारी चीजें स्मूथ रहेंगी दोस्तों। परफॉर्मेंस ही इसका सबसे प्लस पॉइंट है, बेस्ट स्मार्टफोन है इस प्राइस रेंज पे। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है कैमरा। कैमरा धमाकेदार दिया हुआ है, 4 सेंसर्स हैं इसमें। आपको डेप्थ सेंसर वाला मजाक नहीं किया रियर साइड पे। पहला प्राइमरी सेंसर जो है वो सोनी IMX का सेंसर दिया हुआ है 48 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर f1.8 का है। OIS सपोर्ट दिया हुआ है यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, आपको अगर वीडियो शूट करते हो तो स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा होता है। देन उसके साथ आपको इसमें मिलता है दोस्तों 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस, यानी जो टेलीफोटो का काम करता है। 5x ऑप्टिकल जूम उसके साथ आता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, यानी जूम करते हो तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, अगर आप फोटो तो क्रॉप करते या करते हो तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे इसमें। तीसरा वाला सेंसर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जिससे आप वीडियोस भी शूट कर सकते हो अल्ट्रा वाइड वाले, चलो अच्छी चीज है। इसमें व्लॉगिंग मोड भी है, जो कि अच्छी चीज है, व्लॉग वॉक करते हो तो उस टाइम कर सकते हो। एंड OIS जो है वो स्टेबलाइजेशन तो बना के ही रखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लास्ट वाला सेंसर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है, जो कि आप क्लोज फोटोग्राफी के काम कर सकते हो, यानी सारी चीजें कर लोगे, 4K 1080 सब हो जाएगा, स्लोमो भी है 720p पे और जितनी सारी चीजें, वो सारी चीजें मिल जाती है। रियर साइड पे फ्लैश भी दिया हुआ है। फ्रंट साइड में आओगे 16 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसका अपर्चर f2.0 का है, वहां से भी आप 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो। वहां पे फ्लैश नहीं दिया है लेकिन फ्रंट कैमरा ठीक ठाक है,
रियर कैमरा धमाकेदार हैं और जिस प्राइस पे आ रहे हैं दोस्तों आपको बहुत अच्छी वैल्यू देते हैं दोस्तों। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट आती है इसकी बैटरी दोस्तों। रीजन इसका बैटरी जो है इसमें आपको 4160 एमएच की बैटरी मिलती है जो कि आराम से एक दिन निकल जाएगी। 7nm का चिपसेट है वो भी बैटरी एफिशिएंसी अच्छी खासी रखेगा यानी 4000 एमएच की बैटरी भी अच्छी खासी चल जाएगी। 4160 एमएच की है और अगर खत्म भी हो जाती है तो इसके साथ 22.5 वाट का चार्जर भी मिलता है और टाइप सी का पोर्ट भी है। चलो तीनों चीजें हैं यानी एक इनफ बैटरी दी गई है, अच्छा खासा फास्ट चार्जर दिया हुआ है एंड उसके साथ साथ टाइप सी का पोर्ट भी है तो सारी चीजें आपको मिल रही हैं। बैटरी डिपार्टमेंट में कोई खास इशू नहीं आएगा। सेंसर्स वेंसर्स में भी आपको सारी चीजें मिल जाती है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है एंड उसके साथ साथ आईआर ब्लास्टर है तो बैटरी एंड सेंसर्स के डिपार्टमेंट में कोई इशूज नहीं है। बाकी जितने भी सेंसर्स होते हैं जरूरी वाले सारे मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम किया नहीं है। मेरे हिसाब से काम यहाँ पे भी बहुत अच्छा किया है दोस्तों। तो सिर्फ अगर आप 20-22 हज़ार रुपए पे करते हो तो सारी चीजें आपको धमाकेदार मिलती है दोस्तों। कौन सा वाली चीज आपको ज्यादा अच्छी लगी इसमें, क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट 765G वाला स्मार्टफोन है, उसके साथ साथ आपको ऐसा नहीं कि कोई चीज कॉम्प्रोमाइज किया गया हो। इसमें आपको अच्छा खासा सुपर एमोलेड का पैनल भी मिल जाता है, 100 डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, फास्ट चार्जर भी है, बड़ी बैटरी भी है, कैमरास भी धमाकेदार दिए हैं, तो सब कुछ दिया हुआ है। यही नहीं कि खाली 765G देके छोड़ दिया है। अभी रिसेंट में अगर आपको याद हो X50M लॉन्च किया था तो उसमें नहीं आया था सुपर एमोलेड का पैनल, इसमें दिया हुआ है। चलो अच्छी चीज है। कौन सा वाला आपको अच्छा लगा जरूर बताइए, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, कैसा लगा स्मार्टफोन, क्या आप इसका वेट कर रहे हो जरूर बताना और सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो व्यक्ति में जो इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय।